अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि बेस फॉर्म होती है उसके अंदर एस ई एस और आई ई एस ऐड करने के रूल्स कौन से हैं। जैसा कि मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने ये चीज नहीं बताई थी कि वर्ब के अंदर एस ई एस और आई ई एस कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आपने मेरी प्रेजेंट सिंपल टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लें और एस ई एस और आई ई एस के रूल्स को समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें ताकि कोई भी रूल आपसे स्किप ना हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जी तो स्टार्ट करते हैं हम रूल्स ऑफ एस से। रूल नंबर 1 है हमारे पास वर्ड्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट। वर्ड्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट इसका मतलब ये नहीं कि सारे वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ वो वर्ब जो के बेस फॉर्म में होते हैं। अगर वो वर्ब कॉन्सोनेंट से एंड होते हो, मतलब लास्ट लेटर उनका कॉन्सोनेंट हो, तो हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करेंगे। जैसे वर्क वर्क्स, एक्ट एक्ट्स, ऐड ऐड्स, कीप कीप्स। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जब भी कोई वर्ब देखो जो कि कॉन्सोनेंट से एंड होता हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एस लगा दो, ऐसा भी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब हम पर्संस की बात करते हैं तो तीन किस्म के पर्संस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर होता है और सेकंड पर्सन जो कि जिससे आप बात करते हो, और थर्ड पर्सन वो पर्सन होते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। स्पीकर आई और वी होते हैं, जिससे बात की जाती है वो यू होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन ही शी और इट होते हैं। और उसके साथ साथ फिर थर्ड पर्सन प्लूरल जो कि दे होता है। जब हम बात करते हैं एस ई एस और आई ई एस के रूल्स की तो आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर को कंसीडर करना है कि ये रूल्स उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हैं। जैसे आई वर्क, ही वर्क्स, शी वर्क्स, यू वर्क, दे वर्क। और थर्ड पर्सन अगर कोई नाम आ जाता है तो उसके लिए भी ये रूल्स एप्लीकेबल हैं, जैसे अली वर्क्स। उसके बाद रूल नंबर 2, वर्ड्स एंडिंग विद ई, सेकंड लास्ट लेटर कंसोनेंट। मतलब वो वर्ड्स जो के ई से एंड होते हो पर सेकंड लास्ट लेटर जो है वो कंसोनेंट हो, तो हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करेंगे। जैसे admire, admires, love, loves, hate, hates, take, takes, make, makes, he admire, he admires, she love, she loves, Ali hate, Ali hates. उसके बाद rule number 3, words ending with ie, words जो कि ie से end होते हो तो हम उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ s add करेंगे। जैसे die, lie, tie, die, dies, lie, lies, tie, ties. अगर हम es के rules की बात करें तो words ending with o, sh, ch, x, z, double s. मतलब अगर base form of verb o से, sh से, ch से, x से, z से या double s से end हो तो थर्ड पर्सन के साथ हम सिर्फ और सिर्फ ई एस ऐड करेंगे। जैसे डू डज, गो गोज, फिक्स फिक्सेस, मिक्स मिक्सेस, मैच मैचेस, वॉच वॉचेस, अबेश अबेशेस, वॉश वॉशेस, पास पासेस, मिस मिसेस, बज बजेस, फज फजेस। उसके बाद अगला रूल है वर्ब्स एंडिंग विथ वाई, वो वर्ब्स जो कि वाई से एंड होते हो बट सेकंड लास्ट लेटर जो है वो कंसोनेंट हो तो हम उसके अंदर आई ई एस ऐड करते हैं। जैसे स्टडी स्टडीज, क्राई क्राइज, फ्लाई फ्लाइज, ही स्टडीज, शी क्राइज, बर्ड फ्लाइज। आई होप कि आपको एस ई एस और आई ई एस के रूल समझ आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना,
और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको SES और IAS के रूल्स नहीं पता होंगे। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एवी खास यूट्यूब चैनल।